सिवान में बड़ा सड़क हादसा, एक की मौत, महिला समेत तीन लोग हुए घायल। सभी लोग एक साथ घर की तरफ जा रहे थे, तभी ये बड़ा घटना हो गया। मौत की सूचना के बाद परिजन सदर अस्पताल में ही दहाड़ मार कर रोने लगे। जी हाँ, बिहार के सिवान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि सिवान जिले के जीवी नगर थाना क्षेत्र के माधोपुर हाई स्कूल के पास सड़क दुर्घटना में एक किशोर की मौत हो गई है। एक महिला समेत तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक सीसई 51 टोला निवासी बेचू राम का 17 वर्षीय पुत्र शिवम कुमार है। वहीं घायलों में गुड़िया देवी गुड्डू कुमार व एक अन्य व्यक्ति शामिल है। सभी का सिवान के सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल गुड्डू कुमार ने बताया कि मैं और मेरे साथ एक अन्य व्यक्ति अपराध से अपने घर थावे चीतू टोला के लिए एक ही बाइक पर सवार होकर निकले थे। तभी हमारे आगे शिवम और गुड़िया देवी को बैठाकर सिवान से अपने घर सीसई 51 टोला जा रहा था, तभी विपरीत दिशा से आ रही एक अनियंत्रित कार ने टक्कर मार दी, जिसमें सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार चालक मौका पाकर कार लेकर फरार हो गया। इधर स्थानीय लोगों के द्वारा सभी को आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने शिवम का प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति गंभीर देखते हुए पीएमसीएच रेफर कर दिया। लेकिन शिवम अभी शहर भी पार नहीं किया, तब तक उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना के बाद परिजन सदर अस्पताल में ही दहाड़ मार कर रोने लगे। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। थाना अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया, मृतक की सूचना मिली है, अन्य घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस कार चालक को पकड़ने में जुटी है, जल्द ही कार चालक को पकड़ लिया जाएगा।